गाइस अब रैली पहुंच चुकी है मेन अड्डे पर और इधर रैली का जो जोश और खरोश देखा जाएगा वो आपके सामने होगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने तकरीबन 200 से 500 के दरमियान अपराध आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब व्यूवर्स का। तो आज जो सीन हुआ है ना बहुत मतलब ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पहले मैंने हसन भाई को कॉल किया, मैं कहा हसन भाई ये टाइम हो रहा है और इस टाइम पर आपने तैयार हो जाना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम पे तैयार नहीं हुआ, वो उस टाइम पे अभी नहाने पड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैं अहमद भाई के घर गया, अहमद भाई घर नहीं थे, कॉल किया तो नंबर बंद है। उसके बाद हमने अपने एक तीसरे दोस्त अखिल भाई को कॉल किया, वो भी नहाने लगे हैं, तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं आ सकता। तो खैर ठीक है, लेकिन हसन भाई पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। भैया जो टाइम दिया जाता है उस पर तैयार हुआ करो। अब मैं हसन भाई को छोड़ आया हूँ क्योंकि रैली का टाइम था 10 बजे और मैं 10:15 पर इधर पहुँचा हूँ। तो अब देखते हैं कि रैली भी चली गई या है। तो गाइस वैसे मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है, तो देखते हैं फिर यार जो टाइम दिया होता है ना उस पर पहुँच जाया करो। अब हम निकलते हैं रैली की तरफ। अगर रैली गई हुई मतलब चली गई तो फिर अपनी किस्मत, अगर नहीं गई तो फिर भी अपनी किस्मत। तो अब चलो जी, हमने किक मारनी है स्टार्ट। हम आ चुके हैं जी रैली में और हमारे फरहान भाई हमें सबसे पहले मिले हैं। इधर हो फरहान भाई, वीडियो से क्या और ठीक ठाक लगा शुक्र, तुम सुनाओ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रैली का टाइम तो मुबारक हो भाई, मुबारक। ये पहला बंदा जिसने मुझे फौरन मुबारकबाद दी है। तो रैली का टाइम था 10 बजे, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। हो गया। ये बंदा इस्लामाबाद की नहीं आ गया थोड़ी सी। यार सारे इस्लामाबाद से ही आते हैं, कोई लाहौर से नहीं आ रहा। क्या हाल है भाई जान, ठीक है? ठीक है, तबीयत कैसी है? ठीक है, तबीयत ठीक है, ठीक है। 14 अगस्त को आज पहुँचे आप इस्लामाबाद? जी रात पहुँचा। उधर का माहौल पर अभी हाल क्या सुना है वहाँ पे भी, यानी कि अच्छा माहौल था लेकिन इधर दोस्तों की रैली थी तो मैंने कहा अपने शहर में कर जाके चुरा। तो चेक करें दोस्तों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आया, पूरा 2000 खर्च हो गया। नहीं 4000 किराया लगा था। 4000 फैसल मूवर्स का किराया 4000 है गाइस। अच्छा खैर इधर से कट कर लेंगे। आप किधर से हैं भैया? भाई मैं इधर से। इधर से किधर से? फिरोजा से जी। रैली में हाँ, कितने बजे जा रही है? पता ये 10 बजे का कहा, अभी देखो ना क्या टाइम है। अभी तकरीबन 10:30 हो गए हैं ऐसे ना, तो अभी भी देर है या अभी किसका इंतज़ार किसका है? पता नहीं कि दोस्त आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं पक्का लाड़ा से। तो देखते हैं वो कौन से दोस्त हैं जिसके लिए ये सारी आवाम रुकी हुई है। तो ये जो भाई बैठे हैं ये सब क्या आ गए, ये आपको मेंटेन कर रहे हैं? क्या बात है, क्या हाल है? ये सारा सिस्टम आपने संभाला हुआ है? गाइस स्पीकर नहीं चलाना, नहीं चलाना, अभी 2 मिनट में ना चलाना, कॉपीराइट आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो आप देख सकते हैं गाइस इधर कितना रश है माशाल्लाह। इस भाई के बाल चेक करें, क्या बात है। कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं भैया? बस जेड़ा आ रहा है। मैं जब ऐसे बाल देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मेरा ये हाल है। चलो खैर अब इसे उतार ही देते हैं। तो रैली पे आप कितने बजे आए हैं? और हमें दिया था 10 बजे का टाइम, मैं लेट हुआ हूँ 10:10 तक आया हूँ मैं, ठीक है। मैं इतना अफसोस कर रहा था कि मुझे देर होगी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा देर है। क्यों देर है? आओ भाई चले। तो यार गाइस हम माहौल चेक कराते हैं, माशाल्लाह बहुत आवाम है। तकरीबन आवाम कितनी है? काफ़ी सारे लड़के हैं। अंदाजन कितने? अंदाजा 40-50 और भी आ रहे हैं? हाँ और भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। इधर तकरीबन 200 से 500 के दरमियान हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तो हमारे कुछ और दोस्त हैं तो इनसे भी मिल लें। क्या हाल है भैया? एक सलाम बस है, आधा घंटा अभी भी आधा घंटा। हम ऐसे करते हैं कि अपने दोस्तों को बुला लाते हैं क्योंकि वो हमसे गुस्सा ना करें कि राम भाई आप हमें छोड़ के चले गए हैं, तो निकलते हैं। ऐसे बाहर इतनी भाग ना निकाल लेके तो अभी हम आपको उस भाई से मिलवाते हैं जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त मुबारक। सबसे पहले केड़ी मुबारक हुई? 14 अगस्त की आजादी, आज आजादी का दिन है। कोई आजादी का दिन नहीं है तो फिर हम इधर किस लिए आए हैं? ऐसे ही ये वो भाई हैं, जब मैं खुशी वाली वीडियो बनाऊं तो फिर तो चलो कमेंट्स वगैरह बढ़ता है हंसने वाला, जब मैं दुखी बनाता हूँ ये फिर और ज्यादा हंसते हैं। यार इसकी क्या वजह? ये दुखी में मजाकिया लगता है बहुत। ओहो तेनों तो बिल्कुल क्लोज लेंदा। इधर आजा आजा ए इनु इधर ऐसे गाना लगना सही है, मैं बोलना है नहीं देवेश। क्या हाल है? तो इनसे मिलिए, ये हमारे हमसाए अहमद लाली, इसने हमें दावत दी थी कि ग्राम भाई रैली पे जरूर आइएगा और हम आए हैं माशाल्लाह से, लेकिन रैली को टाइम बहुत लगा है। ये इसकी वजह क्या थी? तेरा मौसम आया बहुत आया, पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, वो नहा रहा बहुत ना आया, पता नहीं क्यों ना आया। ओ मैं मोटरसाइकिल ले आऊँ तो आप स्पीड से निकले भैया। ओ जाग दे रहे हो कहीं और ही जा रहे हैं, मैं तो अगर ज़्यादा दूर गए तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो गाइस सीन कुछ इस तरह है कि हम चले गए थे लेकिन अपने दोस्त हसन के लिए वापस आए, इसको लेके जा मसरूफ कर दिया है। तो हसन भाई सिर्फ आपके लिए आया हूँ मैं। अच्छा जी, इतनी चलो आज हम पेप्सी को लेके और 14 अगस्त की रैली मनाने जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी पेप्सी के घर और मोटरसाइकिल जो है ना वो हसन भाई चलाएंगे। भाई वो कल वाला व्लॉग अपलोड कर दिया? कर दिया, कर देंगे हम, तो टेंशन क्यों लेते हैं यार, जल्दी चलाओ यार, टाइम नॉट जाया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट। क्या वेस्ट? तो अभी ये बाइक चलाने वाला अल्लाह करे हमें ना पेप्सी घर मिल जाए। तो इस वक्त हम आए हुए हैं जी अहमद भाई के घर, वो सामने अहमद भाई का घर है। अब हसन भाई दरवाज़ा खड़काएंगे फिर पूछेंगे कि अहमद भाई घर है कि नहीं, अल्लाह करे हो, अगर नहीं है तो फिर हम दोनों भाई जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। गाइस अभी ना उनकी मम्मा आई थी, उन्होंने बताया कि पेप्सी जो अहमद जो है ना वो दुकान पे, तो अब हम दुकान पे जा रहे हैं।
तो देखते हैं, अगर अहमद मिल जाता है तो उसे ले जाएंगे, अगर नहीं मिलता ना तो फिर आज छोड़ देंगे, फिर बाद में चाहे वो रोता रहेगी मुझे देखने के, जो मर्जी हो। एक बार पेट्रोल देख लिया सी कि पेट्रोल है कि नहीं, फिर देखते हैं अगला। आप झंडा ले आना, ले रहे हैं मज़ा नहीं है। अब झंडा ले लेंगे किसी को। तो गाइस अब झंडा लेते हैं लास्ट के व्लॉग में। तो चेक करें हम और इन्होंने लत के बना ली है, मैं लत के सारा कुछ ते मैं तेरे वास्ते आया वहाँ। तो चेक करें पूरा अड्डा जो है ना इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये गलत बात है यार, जो ये है ना ट्रैफिक ये नहीं रोकनी चाहिए यार, ये क्या कर रहे हैं। चेक करें छोटा हुआ है, रैली निकालो इंजॉयमेंट करो, लेकिन ट्रैफिक ना रोको यार, उन्हें शायद जल्दी हो फिर। पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखते हैं अभी। तो इस भाई को फुल जोश चढ़ा हुआ, 14 अगस्त यही मना रहे हैं। क्या बात है, और ये चेक करें बच्चा माशाल्लाह, क्या बात है। 14 अगस्त झंडा उठा के भाग के फिर रहे हैं, इसे तंग बहुत कर रहे हैं अब ना। कितनी देर है यार रैली को, कब निकल जा रही है? पक्का लाड़े से कुछ आवाम आ रही है, उसका इंतजार है, जैसे वो आ जाएगी फिर रैली। तो चेक करें 14 अगस्त ये बकरे मनाने आ चुकी है, क्या ही बात है। ये सीन तो बड़ा अच्छा लगा, भैया ठीक है, ये देखिए मजा आ गया, मजा ओ वाह चली गई है भैया। आप पर रैली देख के जाना, हाँ पर रैली देख के जाना वहाँ। हम आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने फैसला किया आधे तू पर दे आधे मैं पर था, तो पेट्रोल पा लेते फिर गश्त कराएंगे चंगे तरीके से। तो सोनू 200 का पड़ गया, 200 हाँ 200। ये देखें बंदूक की गोली चला दी है भाई ने, ये वो भाई हैं जिन्होंने बंदूक की गोली चला दी माशाल्लाह। शमाइल प्यारी थी,
और पेट्रोल हमारे पास इतना हो गया है कि हम फिरोजा तो घूम सकते हैं, बाकी घूमे ना घूमे। तो चेक करें कि आवाम कितनी है। ये पाकिस्तान हमें बहुत मुश्किल से मिला था और हमने इस पाकिस्तान को आबाद रखना है इंशाल्लाह। कदम बढ़ाते चले ये हमारे भैया इधर भी वन भी नहीं कर रहे हैं, कहते मौका मिलते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये चेक करें, ये चीज क्या बात है। तो गाइस अब रैली चल पड़ी है। मजे की बात है इधर कुछ लड़के कुछ अफराद आते हैं जो बंद भी नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी को ठोक देंगे फिर बाद में कहेंगे सॉरी भैया 14 अगस्त मुबारक हो। तो गाइस अल्लाह खैरियत करे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये क्या करें, रैली वाले मोबाइल को पाकिस्तान जिंदाबाद। यार जोश दिला दिया भाई ने एक बार पाकिस्तान। ये हमारी पार्टी का बंदा है भाई, ये हमारी पार्टी का, ये देखे है। ओ हमारे एक और दोस्त चेक करे।
वीडियो शूट करने चला गया हूँ। जो हसन भाई है ना वो गुम हो गया। अब हसन भाई किधर गया यार, इधर खड़ा से छोड़ के गया था। हसन भाई ओए कुकी पहलवान है, चेक करें मेरे दोस्त के काम एंड में फिर रहा है। तो अभी हमें हसन को ढूंढ लिया, तो मैं इसको मौका देता हूँ कि ये नारे शारे लगाए और मैं ना मोबाइल चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ। गर्मी है ना यार इसलिए हो रहा है। पानी पीने जा रहे हैं भैया। तो ये
इन होटल वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, सब अफराद के लिए पानी का इंतजाम किया हुआ है। चेक करें आवाम आ रही है और भी ज्यादा। ये हमारा अब्दुल्ला भाई, ये भी पानी शानी पीने आए हो? पानी पीने आया? पानी पीने आया। देखें आवाम के लिए गिलास भी शीशे के रखे हुए हैं, क्या बात है। पानी ठंडा है ना? जबरदस्त माशाल्लाह। इस भाई की स्माइल बहुत प्यारी है, क्या हाल है भैया, मजा आ रहा है। और ये चेक करें, इसके लिए खर्चा होता है भाई, अच्छा खासा खर्चा होता है। कितना खर्चा हुआ है तकरीबन? 50 रुपए का मैं करता रहा, तुमने 100 क्यों बोले? खैर गाइस, खर्चा हो गया लेकिन चीज बन गई एक मरतबा। तो उधर आवाम जा रही है, उधर क्या हो रहा है देखते हैं। माशाल्लाह इनकी टोपी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये चेक करें, आया है क्या बात है, ऐसे कर ऐसे कर। वेनिया बाकी रैलियां ने एक नारा लाने जोरदार, पाकिस्तान पाकिस्तान। हुआ कि मैं ना नीचे वीडियो बनाने में मसरूफ हो गया, इधर से रैली चल पड़ी, अब हसन भाई दोबारा गुम हो गया। हसन भाई को ढूंढते हैं, अल्लाह करे मिल जाए जल्दी। भाई मेहनत का काम है, ऐसा थोड़ा एक शोर बहुत ज्यादा है इधर, पता नहीं मेरी आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हूँ। नारों को जवाब दीजिए, और सबको बुलंद करो पाकिस्तान। ये भाई नारे बहुत लगा, भाई भी चला रहे नारे लगा रहे। यार पेप्सी की कॉल आई थी, अटेंड नहीं हुई, मैं वीडियो बना रहा था। Yeah.
आगे रहना। आराम लग यार, डिगन लगा सी मैं। आराम सुनल मोड़कट, आराम सुनल, आराम सुनल मोड़कट, उधर जाओ। पैर नहीं लगता, मैं डिगन वाला हूँ। नहीं यार प्रेशर है ना। आराम सुनल, आराम सुनल मोड़कट, मोड़कट, आराम सुनल। आराम से होने लगे जा। गाइस अब रैली पहुंच चुकी है मेन अड्डे पर, और इधर रैली का जो जोश और खरोश देखा जाएगा वो आपके सामने होगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने तकरीबन 200 से 500 के दरमियान अपराध आ चुके हैं, जिसमें नाली की बड़ी मेहनत है। चेक करें, नाली पसीना पसीना हुआ पड़ा है, इतनी खास मेहनत कर रहे हैं। और नाली के साथ कौन कौन है? मलंग बाबा अली, ये चेक करें भैया, माशाल्लाह ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इधर बहुत सारे और इधर बहुत सारे भाई है माशाल्लाह, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये चेक करें, इतनी मेहनत कर रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो अल्लाह ताला कामयाब करे इनकी मेहनत। डंडे शंडे भी उठाए हुए हैं कि अगर कोई गड़बड़ शड़बड़ करे। हाँ माइक लेना पड़ेगा भैया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर लेंगे। तो गाइस हसन भाई ये सामने खड़े हैं, तो अब हम व्यू लेते हैं। यार बहुत गर्मी, बहुत गर्मी हो गई है भैया। बहुत नहीं, बहुत अच्छी ध्यान, ये बहुत गर्म हुआ पड़ा भैया, बड़ा एहतियात करना पड़ेगा हमें भैया। अब हम जा रहे हैं जी रैली के बिल्कुल करीब, और हसन भाई को कहेंगे कि रैली के पीछे ले जाओ एक बार ना भाई, पीछे ले जाओ। अब भैया पीछे ले जाओ मतलब उस तरफ घुमा के, तो मिल जाएगा यार, तू जा, तुझे रास्ता मिल जाएगा। वीडियो शूट करनी है ना भैया। हसन भाई जल्दी करो, ध्यान दे, डर भी बहुत लगता है। तो खैर गाइस अब हम रैली के पीछे का जो व्यू है आप लोगों को चेक करवाएंगे। बस भी इधर से ही आ रही है भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, इधर इरादा कैंसिल हो गया। तो खैर हम आप लोगों को इधर ही चेक कराते हैं। ये 14 अगस्त मुबारक, वो कह रही है कि हाँ ठीक है मुबारक हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो चेक करें रैली में इतना रश है कि जो ये बस है ना इसकी ट्रैफिक रुक गई है। तो खैर बस को ट्रैफिक तो रास्ता दे रहे हैं, वो पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रुक गई है। हम आप लोगों को ट्रैफिक दिखाते हैं, और बस के पीछे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो खैर रास्ता दे दिया, अब ये जो ट्रैफिक है ये बहाल हो गई है। तो हम फटाफट हसन भाई के पास जा रहे हैं, तो क्या कहें सामने भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई है, तो इनको भी रास्ता दे दिया गया। अब हसन भाई को देखिए, तो अब हम आगे जा रहे हैं, और हसन भाई किधर होगा यार, वो
हसन भाई को हमने कहा था कि रैली से आगे रहना है, तो उम्मीद की जा सकती है कि रैली के आगे होगा। किधर है ओए? हसन मुझे लगता है पीछे रह गया। हसन को ना कॉल करते हैं, कॉल मिल गया कॉल सुनो तो नहीं है वो ना, हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम उसको लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो हम बैठ चुके हैं, आप व्यू लेते हैं। वो आराम ना आगे निकल आगे। हाँ और आराम ना। आखिरकार गाइस हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी अहमद आबिद अरवाइन साहब ने मिल चुके हैं। बस पे ऐसा रीमियर खान गए थे शादी पे। वाओ शादी छोड़ के इधर आ गए, कुर्बानी है फिरोजा के लिए कुर्बानी है। क्या बात है चौधरी आबिद अहमद अरवाइन की। हां गाइस अब ये शुगर मेला दिखाएंगे। आईफोन कौन सा? आईफोन एक्स। तो फिर ये आ गए हमारे पास। तो अगर आगे रैली गई ना तो फिर हम आगे का मुझे लगता है इधर से पीछे से वैन आ रही है, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में चेक करें सबका रिकॉर्ड तोड़े पूरी भाई को, जैसे मैंने बाजा बजाया ना मैं कहता हूँ फुल पावर से। तो रैली अब आगे जा रही है तो हम बैठ जाते हैं, तो चेक कर सकते हैं आप। भाई हसन भाई को जगह नहीं मिल रही कि हम क्रॉस करके आगे से व्यू ले सकें। कभी चलाएगा तो फिर भूलते ही चला जाएगा, मुझे डर लगता है। जो लगा के है या सो लगा के है या पहुंच गए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जमान। आका मोहम्मद सरफराज भाई। अब ये नारा लगाएंगे पाकिस्तान। तो इनको मैं थोड़ा सा ना कहता हूँ ये रास्ता दे भैया। सर जी हेलो।
ओ हमारे नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये देखिए शहजादी, क्या हाल है बेटा? सलाम करो, सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? सलाम भाई, क्या हाल है? मैं भी गया था यार, अफसोस है मैं घर नहीं था। कोई बात नहीं, काम में मशगूल है ना। और ठीक है, अभी इंशाल्लाह मुलाकात। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ये हमारे भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया? खैर गाइस, रैली में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काश अकील भाई और अहमद भाई उर्फ पेप्सी उर्फ मुन्ना भी हमारे साथ होते तो कुछ ज़्यादा मज़ा आता। हसन भाई, इधर ही लोग हम एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।